दोस्तों, आज भारतीय रेलवे में टोटल 6 जोड़ी महामाना एक्सप्रेस चलते हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं, और आज उन्हीं में से एक आज हम यात्रा करने वाले हैं खजुराहो से चलकर भोपाल के बीच जाने वाली महामाना एक्सप्रेस में। महामाना एक्सप्रेस, इस ट्रेन को जो ना ऑनर किया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर किया गया है महामाना। तो आज मैं इन्हीं महामाना में से एक महामाना में यात्रा कर रहा हूँ, और आपने किसी महामाना एक्सप्रेस में यात्रा किया है तो बताइएगा आपने किस में किया है। जो 6 जोड़ी चलती हैं उनमें से कौन सी महामाना में आपने यात्रा किया है? आज हम यात्रा करने वाले हैं 22164 खजुराहो से चलकर भोपाल के बीच चलने वाली महामाना एक्सप्रेस में, जो कि 367 किलोमीटर की दूरी भोपाल से लेकर खजुराहो तक की 6 घंटे में पूरा करती है, 6 घंटे के आसपास में पूरा करती है, और इसकी एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम 1110 kmph पर आवर। हालांकि ये महामाना एक्सप्रेस है तो इसमें सेकेंड सिटिंग और एक डब्बा चेयर कार का, बस एक ही डब्बा चेयर कार का है, बाकी सारे डब्बे सेकेंड सिटिंग क्लास के कोचेस के हैं। और आज मैं यात्रा करने वाला हूँ इस महामाना एक्सप्रेस के सेकेंड चेयर कार वाले डब्बे में। ये डेली ट्रेन खजुराहो से चलती है शाम को 4:30 बजे और आपको सेम डे रात में 10:30 बजे के आसपास आपको भोपाल पहुंचा देती है। माना एक्सप्रेस में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं ना, तो खाने पीने या पानी जो भी है सब साथ लेके चलें, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत ही कम ही चीज़ें मिलने वाली है। हालांकि बीना में ये रुकी थी है 2 मिनट के आसपास, लेकिन सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे आपको पानी वगैरह नहीं मिलेगा। तो अपना स्टार्टिंग से ही लेके चलें अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं एंड टू एंड। चेयर कार का लेआउट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका मतलब कुछ ट्रे वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे फ़ोन को रखने के लिए भी है चार्ज करने के लिए, और ये लेग स्पेस है इसका, ये वाटर बॉटल होल्डर है, और ये कर्टन्स, तो ये कर्टन्स भी वापस है यहाँ पे, और देख रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी है हर सीट के लिए। तो ये इसका चेयर कार का है। आप इस चेयर कार में यात्रा करते हैं ना खजुराहो से भोपाल, तो इसका जो किराया है वो 575 रुपये के आसपास है, जो कि मैंने पे किया है, और जो आप सेकेंड सिटी में अगर आप यात्रा करते हैं तो उसका किराया थोड़ा सा कम है। और ये इस ट्रेन का सेकेंड सीटिंग का कोच है जिसमें 3-3 की सीटिंग है, 3 लोग इधर बैठते हैं 3 लोग इधर बैठते हैं, फ़ैन है ऊपर सामान रखने के लिए है, और हर एक सीट छोड़ के वहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी है। तो ये इसका सेकेंड सीटिंग क्लास का कोच है, और बाहर देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा वेस्ट बेसिन भी है और मिरर भी है। हालांकि महामना कोचेस है तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सीटिंग सेकेंड सीटिंग क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा कोचेस है ये। अभी हो रहा है 3:40, अभी भी ट्रेन खुलने में 50 मिनट बाकी हैं, तो अभी इनफ टाइम है अपने पास। अंदर कोचेस तो खुल गए हैं लेकिन एसी चालू नहीं है, तो अंदर लग रहा है बहुत गर्मी। और ये महामाना एक्सप्रेस ना अब जो रूट कवर करती है यहाँ से, जो इसका बीना ललितपुर बीना होते हुए भोपाल जाती है, अगर आपने इस टाइम ट्रैवल किया है तो बताइएगा आपका रूट कौन सा है और कहाँ से कहाँ इस टाइम ट्रैवल करते हैं, और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अभी लाइक कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। सेकंड सीटिंग के किराए की बात करूँ तो खजुराहो से भोपाल 165 रुपये किराया है इसका, लेकिन यहाँ पे ना इस ट्रेन को जनरल कोचेस के मतलब जनरल टिकट भी काट रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है नॉर्थ उसमें सेकेंड सीटिंग के कोचेस हैं तो जनरल के कोचेस कौन से हैं, क्योंकि मैंने इतना पूरा देखा नहीं है, क्या पता आगे पीछे। अगर आपको पता है कि जनरल कोचेस इसमें लगाए जाते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ के रेलवे स्टेशन से मैंने देखा कुछ लोगों को जनरल टिकट काट के दे रहे हैं, अब वो पता नहीं वो लोग बैठेंगे कहाँ पे। एसी में जाना जरूरी है, टिकट करा के पहले से, यही तो दिक्कत है, एक ही चार पाँच होते हैं। यार गार्ड को चार बातें सुनने को मिलेंगी और तुम्हें तो मिल नहीं है भी। तुम हरकत ही ऐसी कर रहा, वो अगला आदमी फालतू में परेशान हो रहा है। 1% नहीं सुनूंगा किसी की भी बात, है ना? एसी में बैठे बोल रहे हैं सुनूंगा, वो बात कर रहे हैं। एसी में बैठा लोगे तुम, बताओ इनको कहाँ से कहाँ तक बिठाते हैं? शांत तो रहो, कौन सी टिकट है उनकी बात बताओ आप। नहीं मिल रही तो भेजे हैं, कुछ नहीं है वो विदाउट टिकट नहीं है, टिकट टिकट ही नहीं दे रहा, भगा दिया वहां से। एसी में बैठेगा वो, बात तो करो उनसे, गार्ड से पैसे लो ना, पैसे लो ना जितने लग रहे हैं। तो इनको बोलो कि उधर टूरिस्ट में जाए। हाँ, महामाना एक्सप्रेस का बाहर का चेयर कार का ये इसका वेस्ट बेसिन है, और ये कैप है, और ये शीशा मिरर, वहाँ पे लाइट भी लगी हुई है, मतलब सब कुछ कितना क्लीन है। चलते हैं इसके वॉशरूम में।
ये इस महामाना एक्सप्रेस का वॉशरूम है, मिरर कितना क्लीन है देख लीजिए, और यहाँ पे लाइट भी है, छोटा सा वेश बेसिन भी है और पानी टैप भी है, तो मतलब बहुत ही क्लीन इसका वेश बेसिन है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं छतरपुर, स्टेशन कोड MCSC, और अगर आप छतरपुर आते हैं ना तो यहाँ से बागेश्वर धाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रस इस ट्रेन में यहीं से चढ़ते हैं। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे 18 ट्रेनों का यहाँ पे टोटल हॉल्ट है। जैसे आया था ना तो मेरे से ये छतरपुर स्टेशन स्किप हो गया था, मैं सो गया था, फिलहाल अभी कवर कर लिया है मैंने, इसलिए कोई मुझे दुख नहीं है कि मैंने इसको शाम को कवर कर लिया है। सब्सक्राइबर यहाँ से है ना तो बताइएगा, और यहाँ पे और क्या चीज़ें फेमस हैं बागेश्वर धाम मंदिर के अलावा छतरपुर से। कोई गलती हो गई भाई, हम सीट दे रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, सुन लो बात को, अभी गाड़ी खड़ी है, परेशानी तुम्हें हो, कितनी गाड़ी थी अभी खड़ी है कि देख लो तुम गाड़ी जब आगे अभी ठीक है ज्यादा आगे का कि नहीं, तुम तो कह रहे नहीं हम एसी में बैठेंगे, एसी में कैसे बैठेंगे, नहीं एसी में बैठना है, आगे आओ सर चलो, हमने काम चल रहा है, दो बार हो चुका है ऐसा, वो मंगलवार के दिन फालतू की बात नहीं करो, अभी तो ट्रेन चलने लगी है, मुझे जाना पसंद नहीं है, यात्रा नहीं करो, हमारी क्या गलती है बताओ, क्या गलती है हम बताओ, कौन सी गलती है एक्सेप्ट कर, हमारी कौन सी गलती है बताओ ना हमें। चलिए 78 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं खजुराहो से खरगापुर, एक प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, 18 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, और अपनी इस महामना एक्सप्रेस का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये देखिए यहाँ से ट्रैफिक, मतलब यहाँ से भी ज़्यादा ट्रैफिक इस ट्रेन में बोर्ड करती है। तो अभी क्या हुआ था कि इस ट्रेन में ना T1 जो कोच है उसमें सिर्फ 90 ही सीट है, लेकिन जो बुकिंग है IRCTC से 110 सीटों की हो गई है, तो जो 90 से ऊपर के पैसेंजर थे वो इस ट्रेन मतलब C1 में आ गए थे, तो उसी से PT से बहस हो रही थी, उसमें से एक जो पैसेंजर आई थी ना उन्होंने यहाँ पे उल्टी कर दिया था इसके बस गेस्ट बेसिन में, उसका सारा पानी वो चोक हो गया, उसका सारा पानी यहाँ पे बाहर फैल रहा है, वो कोच में भी जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो सारा पानी है ना ये जो फैला है ये सारा पानी अब जा रहा है कोच में, तो मैंने हालांकि ट्वीट किया है तो देखो क्या रिस्पांस आता है इसका अपना, जैसा भी रिस्पांस आएगा बताऊंगा, क्योंकि ये जो सारा पानी है पाँव सारा कोच के अंदर जा रहा है, अगर आपको कभी उल्टी आती है तो आप वॉशरूम का यूज़ करें, डस्टबिन का यूज़ नहीं करें। अब हम आ चुके हैं खजुराहो से टीकमगढ़, एक प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 16 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, और एक ट्रेन यहाँ से बनती है और एक ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। रस देखिए जितना ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है उतना ये फुल होते जा रही है, और जैसा कि मैंने आपको सुबह वाली जर्नी में बताया था गीता जयंती एक्सप्रेस में कि ललितपुर से आगे सारा सिंगल लाइन सेक्शन है, तो यहाँ पे ये टीकमगढ़ में 4 लाइंस हैं, लेकिन सिर्फ यहीं पे क्रॉसिंग्स वगैरह सारी यहीं पे होती हैं।
हमारी बाटर रखी वहाँ वो अम्मा के पास। 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं बीना स्टेशन, कोड BINA। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 172 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और 6 ट्रेन यहाँ से बनती है और 6 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है बीना से। और दोस्तों बीना में ना इस ट्रेन महामाना एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है, मतलब खजुराहो के बाद पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से एक लाइन गई है कटनी को, एक लाइन गई है भोपाल को, और बताइए कौन सी लाइन गई है अगर आप जानते हैं बीना के बारे में। और यहाँ पे ना अपनी ट्रेन 10 मिनट लेट आई है और मैं नहीं चाहता कि भोपाल लेट पहुँचे क्योंकि मेरे को वहाँ से 11:30 बजे की ट्रेन है, यहाँ से इसका टाइमिंग 11 बजे का आसपास है भोपाल में। और मेरी जो ट्रेन है कर्नाटका एक्सप्रेस जो कि मेरी दिल्ली के लिए, उसका ब्लॉग नहीं बनाऊँगा फिलहाल, वो ट्रेन 11:30 बजे की से भोपाल से, तो मैं नहीं चाहता ये ट्रेन बिल्कुल भोपाल लेट पहुँचे और 10 मिनट लेट आई है। आई होप ये कवर कर ले, भोपाल भी को टाइम से पहुंचा दे। आ गए हैं इसके 8th हॉल्ट गंज बसोदा, स्टेशन कोड BAQ। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 56 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, कोई ट्रेन नहीं यहाँ से बनती है। और गंज बसोदा में इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और इस महामाना एक्सप्रेस में अब तक हमारी ट्रेन जो है लगभग 8 मिनट की देरी से चल रही है, जो पीछे 15 मिनट लेट था उसको कवर किया है इसने। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अपनी ट्रेन। यही मना रहा हूँ कि जो मेरी ट्रेन है ना कर्नाटका एक्सप्रेस, उससे पहले मेरी ट्रेन पहुँच जाए, तो सिग्नल हो चुका है, चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर। तो खजुराहो से अब हम आ गए हैं विदिशा, स्टेशन कोड BHS। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, 87 ट्रेनों के यहाँ पे हॉल्ट है। अगर आप लोग कभी सांची आना चाहते हैं ना तो विदिशा आइए, विदिशा को से ट्रेन से उतरिए और यहाँ से बाहर आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा सांची के लिए। अभी अपनी ट्रेन ना 20 मिनट लेट है, तो देखते हैं भोपाल कब पहुँचता है, मेरी कर्नाटका मैं पकड़ पाता हूँ कि नहीं।
समय से करीब 2 मिनट पहले ही हम पहुंच गए भोपाल और मेरी यहाँ जर्नी समाप्त होती है। इस महामना एक्सप्रेस में आप जर्नी कर सकते हो खजुराहो के लिए, आप जा भी सकते हो आ भी सकते हो। बस अपना खाना पीने का सामान साथ लेके चलें, पानी वगैरह भी साथ लेके चलें और अपनी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और विक्की झा जीरो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मैं चला दिल्ली, आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।